वेलकम टू माई चैनल एस के सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 19-22 और स्पेशल परीक्षा रिजल्ट 2020 बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ था, लेकिन छात्र संघों के आंदोलन और छात्रों के रौद्र रूप को देखते हुए जेपी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। छात्रों के लिए अब खुशी की खबर निकल कर आ चुकी है। आखिर क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, ये छात्र हित में फैसला लिया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं और रिपोर्ट को दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं जेपीयू में झंडे के साथ बीसी की गाड़ी को घेरे एसएफआई के छात्र। उसके नीचे आपको क्या कुछ बताया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा फल का सुधार 10 मई तक करने का आश्वासन कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने दिया है। इसकी जांच के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह संकायाध्यक्ष कॉमर्स को कुलपति ने अधिकृत किया है। प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जांच करने के दौरान किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सहायता ले सकते हैं। छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने TDC पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 14 मई तक विस्तारित कर दिया है। PRO ने बताया कि यह फैसला कुलपति ने छात्र हित के विभिन्न छात्र संगठनों की मांग एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया है। कुलपति ने कहा कि जब तक एक भी छात्र का परीक्षा फल गड़बड़ रहेगा तब तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि का विस्तारण किया जाता रहेगा। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए इसलिए खुशी की खबर है क्योंकि 10 मई तक जो भी लोगों का रिजल्ट गड़बड़ है उनका सुधार कर लिया जाएगा, ये खबर जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताई है। उसके बाद एक और बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आपका पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 14 मई तक कर दिया गया है। और तथा उसके बाद भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर यह आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुलपति ने कहा कि जब तक एक भी छात्र का परीक्षा फल गड़बड़ रहेगा तब तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि का विस्तारण किया जाता रहेगा, यानी कि जब तक सभी छात्रों का रिजल्ट सही नहीं हो जाता है, क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि का विस्तारण किया जाता रहेगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है जेपी यूनिवर्सिटी से। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, जो भी जानकारी है मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को बताता रहूँ। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।